नमस्कार, हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल फनादुले। हर युवा बेहतर शिक्षा पाना चाहता है ताकि वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके, लेकिन हर किसी का ये सपना साकार हो ये मुमकिन नहीं। वजह ये रहती है क्योंकि हर युवा कभी अपनी पारिवारिक परेशानियों की वजह से तो कभी आर्थिक स्थिति की वजह से नियमित क्लासेस नहीं ले पाता, जिस वजह से अक्सर वो पढ़ाई से रूबरू रह जाता है। लेकिन ऐसे विद्यार्थियों को जो नियमित विश्वविद्यालय नहीं पहुंच पाते, उनके लिए इग्नू विशेष कार्यक्रम चला रहा है। इस तरह के कार्यक्रम ताकि वो युवा अपने कार्य को भी अंजाम दे सकें और शैक्षणिक स्तर को भी बेहतर कर सकें। तभी तो इग्नू को जन जन का विश्वविद्यालय कहा जाता है। इग्नू का अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो इसका पाठ्यक्रम अन्य पारंपरिक विश्वविद्यालयों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनका मेन फोकस यही है कि विद्यार्थियों को कैरियर ओरिएंटेड शिक्षा प्रदान की जा सके। तो आज हम इसी विषय में बातचीत करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करूं इससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हमारा जो आज का विषय है वो है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पाठ्यक्रम। तो बिल्कुल इस विषय में हम आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद है, लेकिन इससे पहले दर्शकों को बता दूं, इस संबंध में अगर कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियोज़ के नंबर पर कॉल करें। इसके लिए आपको हमारे नंबर्स नोट करने होंगे। हमारे नंबर्स हैं 2666335, 2666545478। अगर आप हमें देहरादून के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कृपया हमारा एसटीडी कोड जरूर लगाइएगा जो है 0135। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2666335 2665478। 0135 हमारा एसटीडी कोड है। अगर आप देहरादून के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो ज़रूर लगाइए। दर्शकों, आपसे गुजारिश है मेरी कि अगर आप कॉल करें तो कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर ही कॉल करें, क्योंकि अक्सर आप कॉल करते हैं नेटवर्क क्षेत्र में नहीं रहते, इस वजह से हम आपका प्रश्न नहीं समझ पाते हैं और आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। इसलिए हमारी गुजारिश है आपसे कि आप कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर ही कॉल करें, और जब भी आप अपना प्रश्न हमारे सामने रखें तो कृपया संक्षिप्त प्रश्न रखें, क्योंकि आप इतने लंबे लंबे प्रश्न करते हैं कि हम प्रश्न नहीं समझ पाते, कभी पूरा नहीं सुन पाते। तो बिल्कुल आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी इस गुजारिश को समझेंगे और नेटवर्क क्षेत्र में आकर ही प्रश्न करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में यहाँ पे कर रही हूँ, आपको अपने गेस्ट से मिलवा देती हूँ। हमारे साथ इस विषय में बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर आशा शर्मा जी, जो क्षेत्रीय निदेशक है इग्नू दून की। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। तो चलिए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं। मैम, हम यहाँ पे इग्नू की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत यहीं से करेंगे, जन जन का विश्वविद्यालय कहा जाता है इग्नू को क्यों? इग्नू द पीपल्स यूनिवर्सिटी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इग्नू जन जन का विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में एक संसद के एक एक्ट, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा हुई थी जी। और इसका मुख्य उद्देश्य जन जन तक पहुंचना था, मतलब समाज के छोटे से छोटे तबके और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था। क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि जो हमारे जो प्रियम्बल है उसमें जो आइडियल्स हमने एनश्राइन किए हैं, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, रीचिंग दी अनरीच्ड जी, तो उसी को ध्यान में रखकर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्वालिटी हायर एजुकेशन, ये एक मोटो रखकर इग्नू की स्थापना हुई। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि इसको हमने, हमारे विश्वविद्यालय ने पूरा करने का हर संभव प्रयत्न किया और वो प्रयत्न सफल हुआ। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षा का अधिकार सबको है, इसके लिए शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे इग्नू की स्थापना की गई थी। और जिस तरह मैम का भी कहना है यहाँ पे कि बहुत खुशी इस बात की है, शिक्षा का मौलिक अधिकार भी है अब तो उसके लिए भी इग्नू प्रयत्नरत है और हर संभव हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। जी बिल्कुल। मैम, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इग्नू का स्ट्रक्चर किस तरीके का है? देखिए, इग्नू इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और विश्व का महानतम, और मैं कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, क्योंकि भारत ही नहीं विश्व के 35 देशों में इग्नू की प्रेजेंस है। तो ये तो इतना फैलाव है, तो इसके लिए एक मेगा स्तर पर हमारा स्ट्रक्चर भी है और
यूनिवर्सिटी के जो अमेरिका में है, कहाँ नहीं अमेरिका नहीं, मैं कह रही हूँ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में हमारे पार्टनर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सार्क कंट्रीज हैं उनमें हमारे पार्टनर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नेपाल में, मालदीव्स में या बांग्लादेश में, या फिर आपके कैरेबियन कंट्रीज में हैं, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज में हमारे क्षेत्रीय के अध्ययन केंद्र हैं इंटरनेशनल डिवीजन के द्वारा जो रेगुलेट किए जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी के सबसे ऊपर तो हमारे पास एक हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उसके अलावा देर इज़ अ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिसमें कि भारत और भारत के बड़े बड़े शिक्षाविद और विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, जिन जो कि जिनकी बात महत्वपूर्ण है और जिनके विचार यूनिवर्सिटी हर संभव लेने की कोशिश करती है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में डिविजन्स हैं, 9 डिविजन्स हैं और 21 विद्यापीठ हैं। तो उन 21 विद्यापीठ द्वारा कार्यक्रम बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, जो कि जितने अच्छे एजुकेशनिस्ट या जो उस फील्ड के लोग होते हैं उनके उनसे कार्यक्रम बातचीत करके यूनिवर्सिटी के जो उस स्कूल के प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि जैसे रीजनल सर्विसेज है वो डिविजन्स में आता है, जैसे एक इंटरनेशनल डिवीजन है या स्टूडेंट इवेलुएशन डिवीजन है जो कि स्टूडेंट्स की जो टर्म एंड एग्जामिनेशंस हैं, असाइनमेंट्स हमारे यहाँ कॉम्पोनेंट होता है स्टडी का, उसकी जो रखरखाव करते हैं या डिग्री जहाँ से मिलती है। रजिस्ट्रेशन डिवीजन है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन अलग है, उसके अलावा प्लानिंग डिवीजन है या मटेरियल प्रोडक्शन डिवीजन है या इंटरनेशनल डिवीजन है। तो इस तरह के डिविजन्स हैं और रीजनल सर्विसेज डिवीजन है जिसके अंतर्गत जितने भी भारत में क्षेत्रीय केंद्र हैं वो सारे आते हैं। उसके अलावा आर्मी, नेवी, असम राइफल्स या जो जो हमारी पैरामिलिट्री सर्विसेज हैं उनके साथ में सिंगल विंडो सर्विसेज हैं जवानों के लिए या जो हमारे देश के प्रहरी हैं उन सब के लिए। और ये जो स्कूल्स हैं, अब मैं थोड़ा सा स्कूल्स के बारे में बताना चाहूँगी कि लगभग हर क्षेत्र में जो जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है उससे उसके लिए हमारे स्कूल्स कार्यक्रम बनाते हैं। जैसे कि स्कूल ऑफ, स्कूल का मतलब स्कूल ऑफ साइंसेज हैं जैसे, जो साइंस के कार्यक्रम बनाते हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है जैसे कि आप आपने सुना होगा, मैं अब बताऊंगी विस्तार से आपको। और स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज है, या स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज है जो कि हेल्थ के क्षेत्र में कार्यक्रम बनाते हैं। स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज है। तो इस तरह के बहुत सारे 21 स्कूल्स हैं हमारे यहाँ, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है। तो ये स्कूल्स जो हैं ये कार्यक्रम बनाते हैं और वो कार्यक्रम क्षेत्रीय केंद्रों के द्वारा अध्ययन केंद्रों के, क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से अध्ययन केंद्रों पर संचालित होते हैं। जी बिल्कुल, तुम्हें कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं ताकि जो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, किस क्षेत्र में उन्हें जाना है वो अपने आप से यहाँ पे डिसाइड कर सके कि कितने तरह के यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। मैम अगर हम बात करें उत्तराखंड के संदर्भ में, तो क्या उत्तराखंड के संदर्भ में कुछ विशेष तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कुछ प्रोग्राम है ऐसे? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी मोहिता कि कार्यक्रम क्या होते हैं हमारे यहाँ। तो एक तो मास्टर्स लेवल के कार्यक्रम होते हैं जो, मतलब यूनिवर्सिटी हमारी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह से ही है। तो जैसे मास्टर्स लेवल के कार्यक्रम बाकी यूनिवर्सिटीज देती हैं, हमारी यूनिवर्सिटी भी देती है। उसके अलावा बैचलर्स लेवल के प्रोग्राम होते हैं। इन दोनों के अलावा हमारे यहाँ पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं। तो अभी आपने सुना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक पोर्टल बनाया है, उसका नाम है स्वयं, स्टडी वेब फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स, स्वयं। तो उस पोर्टल पर जो कार्यक्रम है वो 4 क्वाड्रेंट्स में है, सेक्शंस में है। तो उसमें वीडियोस हैं या एजुकेशनल मटेरियल है, इस तरह के 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो इग्नू को जिम्मेदारी दी गई है कि वो डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों की क्वालिटी को मॉनिटर करेगी और उसको वेब पर लाएगी, स्वयं पर लाएगी। तो जैसे अलग अलग, जैसे कंसोर्शियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन है, आपने नाम सुना होगा, यूजीसी का पार्ट है।
तो उनको कुछ और जिम्मेदारी है, या IITs की कुछ अलग टेक्निकल एजुकेशन में जिम्मेदारी है, तो इग्नू को जिम्मेदारी दी गई है PG डिप्लोमा एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए। तो अब मैं बताना चाहूँगी कि मास्टर्स के प्रोग्राम कौन कौन से हैं। तो मास्टर्स के सोशल साइंसेस में आपने नॉर्मल प्रोग्राम सुने होंगे, जैसे MA पॉलिटिकल साइंस है, MA सोशियोलॉजी है, या अभी एक नया है MA फिलॉसफी। तो वो फिलॉसफी से, जिससे कि आपकी एक इंसान की जो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, जो ह्यूमन मतलब नेटवर्किंग और इसके बारे में, वो उसकी जो फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो, जैसे कि जो कि फिलॉसफर्स की अंडरस्टैंडिंग्स हैं, या अपने जीवन के गहन अध्ययन के लिए जो महत्वपूर्ण है। और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हमारे उत्तराखंड में, उन्होंने एडमिशन्स लिए हैं और फिलॉसफी पढ़ी है। उसके अलावा गांधीयन एंड पीस स्टडीज़ है, जो कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेकर लेते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जी। या आपका मास्टर्स लेवल पर आपके जो साइंस के, अगर मैं कुछ प्रोग्राम्स में जाऊं, तो मास्टर्स MSc इन डाइटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट है, जो कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है पंतनगर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जो कॉलेज ऑफ होम साइंस है वहाँ वो कार्यक्रम चल रहा है। तो उसमें जैसा कि इसका नाम ही है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी का भी कंपोनेंट है, होम डाइटेटिक्स का भी कंपोनेंट है, फूड सर्विस का भी, फूड एंड माइक्रोबायोलॉजी का है, एनाटॉमी का है, बहुत सारे ऐसे मतलब न्यूट्रिशन का कंपोनेंट है, तो उसकी पढ़ाई है। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है मास्टर्स लेवल पर, वो है साइकोलॉजी का। तो MA इन साइकोलॉजी की बहुत डिमांड है। और एक जो नया कार्यक्रम है साइकोलॉजी से ही जुड़ा है, जैसे काउंसलिंग एंड फैमिली, जो मतलब क्या कहते हैं, फैमिली काउंसलिंग के लिए कहा जाएगा उसको, उसकी काफ़ी डिमांड है हमारे यहाँ, फैमिली एंड काउंसलिंग थेरेपी की जी। तो उसकी वो भी मनोविज्ञान से ही जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। और आजकल आपने देखा होगा कि काफ़ी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, या मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है फैमिलीज़ में, स्ट्रेस है बहुत, या बहुत सारे कॉर्पोरेट में सेक्टर में, बहुत सारे कॉल सेंटर्स में बच्चे काम करते हैं काफ़ी देर तक, तो उनकी जो साइकी को केयर करने के लिए बहुत ज़रूरत है। मैं भी कह सकते कि वर्तमान समय जैसे हमारी जीवन शैली में बदलाव आ रहा है, उस आधार पर हमें जो शिक्षा की आवश्यकता है उसको इग्नू पूरी कर रहा है। बिल्कुल 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 आपने ठीक कहा। तो एक और इसके अलावा विमेन एंड जेंडर स्टडीज़ का कार्यक्रम है, और इसके अलावा जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ का भी इग्नू ने कार्यक्रम लॉन्च किया हुआ है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। और मास्टर्स इन ट्रांसलेशन है, जो कि आपने देखा होगा कि आजकल के युवाओं को नौकरी की बेसिक ज़रूरत होती है, तो वो अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद कर सके या हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद करें, इसके लिए ट्रांसलेशन स्टडीज़ है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और आपने रूरल डेवलपमेंट का के बारे में सुना होगा कि बहुत ज़्यादा है, और NGOs हैं रूरल सेक्टर में, बहुत सारे लोग हैं हमारे, तो उनको, बच्चों को कैसे इक्विप किया जाए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट उसका एक कंपोनेंट है। तो मतलब इन कुछ कार्यक्रमों में एक बहुत, इसकी ब्यूटी क्या है कि आप सर्टेन क्रेडिट्स अर्न करके आप एग्जिट भी ले सकते हैं, माना एक साल पढ़ाई की आपने तो आपको PG डिप्लोमा मिल जाएगा जी। तो आपके पास एक क्वालिफिकेशंस भी हो गई, और उसके अलावा आपने कुछ नॉलेज हासिल कर ली, और अपने आपको काम भी मिल जाता है उससे। मैंने बहुत सारी जगह देखा है, अभी मैं गोपेश्वर गई थी तो वहाँ मुझे कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बच्चों को सीधे इंटरव्यू करके ले लिया विभागों ने, तो वो बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो इसके अलावा MBA तो पुराना कार्यक्रम है हमारे यहाँ, तो हाँ, मास्टर्स, और उसमें जो PG डिप्लोमा के कंपोनेंट्स हैं, PG डिप्लोमा इन ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग एंड सेल्स, तो उसकी एंट्री अब फ्री कर दी है यूनिवर्सिटी ने। उसमें कोई भी ग्रेजुएट 50% मार्क्स जिसके हों, वो बिना एक्सपीरियंस के भी एडमिशन सीधे ले सकता है, और अभी उसके एडमिशन हमारे जनवरी सेशन के लिए चल भी रहे हैं। कुछ एज भी डिसाइड होगी इसमें कि आपने ऐसा कुछ नहीं है, एज नहीं, 18 साल से ऊपर के जो ग्रेजुएट्स हैं वो कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ MBA अगर जिनको करना है उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि यूनिवर्सिटी का बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जैसा मैंने शुरू में कहा, तो उसमें आप जो समय की बाध्यता थोड़ी कम है, और आप अपने हिसाब से एट योर ओन पेस एंड एट योर ओन प्लेस यू कैन स्टडी। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। बाकी प्रोग्राम में क्या समय की बाध्यता है, क्योंकि आपके पास में थोड़ी कम है?
नहीं, सभी कार्यक्रमों में, पूरी यूनिवर्सिटी के सभी कार्यक्रमों में समय की बाध्यता बहुत कम है जी, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से जो कन्वेंशनल मोड की यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पे अगर 2 साल का कार्यक्रम है तो आपको 2 साल में पूरा कंप्लीट करना है। हमारे यहाँ ये नहीं है, अगर 2 साल का कार्यक्रम है तो उस कार्यक्रम में जितना लिखा गया है, हो सकता है 4 साल में आप पूरा करना चाहें, हो सकता है आप 6 साल में पूरा करना चाहें, या माना आपको उतने में भी अगर पूरा नहीं हुआ तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करा कर या एडमिशन लेकर आप जो पुराने क्रेडिट्स अर्न किए हैं वो नए एनरोलमेंट में ट्रांसफर करा के और आगे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। क्रेडिट सिस्टम है यहाँ पर, तो आप इसको आगे कर सकते हैं। मैम, अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे आपने कहा कि आपका 2 साल का कोर्स, आप 2 पे नहीं, आप 4 पे कर सकते हो, 6 भी प्रीवियस फिर आप आ सकते हो, इसमें फीस स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा? वो प्रो रेटा फीस हमारा फी स्ट्रक्चर है कि जितने क्रेडिट्स का कार्यक्रम आपका, मतलब जो आपके कोर्सेज छूट गए हैं, माना आपके पूरे कार्यक्रम में 16 कोर्सेज थे और उनमें आप सिर्फ 12 ही कर पाए, तो आपका और आपका पूरा पीरियड ख़त्म हो गया जो भी आपका फ्लेक्सिबल पीरियड था, तो आप दोबारा एडमिशन लेंगे और जो 4 क्रेडिट बचे हैं उसकी प्रो रेटा फीस के हिसाब से आपको फीस देनी पड़ेगी और एडमिशन करा के आप उसको पूरा कर सकते हैं जी। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है और ओपन है, क्योंकि आप अपने हिसाब से रिसोर्सेज ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मैं क्या बताऊं कि इतनी सुविधा शायद ही कभी हमारे ज़माने में रही हो जितनी की शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जितनी इग्नू और दूसरी ओपन यूनिवर्सिटीज़ के आने से हो गई है। जी मैम, बिल्कुल मैम। अगर अध्ययन केंद्रों की हम यहाँ पे जैसे बात करी थी, बताया भी था, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पे कहाँ पे कितने अध्ययन केंद्र इस वक्त हैं? 19 अध्ययन केंद्र हैं हमारे यहाँ, और उत्तराखंड के जितने ज़िले हैं उन सभी में हमारे अध्ययन केंद्र हैं। शायद ही कोई ऐसा ज़िला है, मेरे विचार से चंपावत में शायद अभी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी हमारा कन्वर्जेंस सेंटर था और हम लोग शायद बहुत जल्दी शुरू करने जाएंगे। और उसके आसपास, मतलब पिथौरागढ़ में हमारा बहुत बड़ा अध्ययन केंद्र है, अगस्त मुनि का जो अध्ययन केंद्र है वो बहुत बड़ा है, और जोशीमठ में हमारा अध्ययन केंद्र है, हरिद्वार में हमारा अध्ययन केंद्र नहीं है लेकिन वो कंप्यूटर का वहाँ पर हमारा सेंटर है, बहुत ही निकट भविष्य में हम एक अध्ययन केंद्र हरिद्वार में भी स्थापित करेंगे, देहरादून में हमारे 2 अध्ययन केंद्र हैं मुख्य हैं, जो कि डीएवी कॉलेज में है और डीबीएस कॉलेज में है, और इसके अलावा कार्यक्रम केंद्र हैं, और हमारे जो क्षेत्रीय केंद्र हैं उस पर भी हम कंप्यूटर कार्यक्रम अभी चला रहे हैं, उनकी थेरी की काउंसलिंग जो होती है वो हमारे अध्ययन हमारे ही क्षेत्रीय केंद्र में हो रही है, प्रैक्टिकल्स हम दूसरी जगह कराते हैं। जी बिल्कुल, मतलब कि ये कह सकते हैं कि आप कुछ नए अध्ययन केंद्र यहाँ पे स्थापित करने वाले हैं। मैम, अगर उत्तराखंड की, जैसे मैंने आपसे प्रीवियस भी क्वेश्चन किया था, उत्तराखंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपने किस तरह के नए कोर्सेज सोचे हैं कि उत्तराखंड में होने चाहिए, या फिर कोई नए कोर्स अलग से हैं जो उत्तराखंड के लिए चलाए जा रहे हैं? उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो मैं नहीं कहूँगी खाली उत्तराखंड के, लेकिन पूरे जो, क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम है, इग्नू इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिसाब से कार्यक्रम उनकी संरचना की जाती है, और उत्तराखंड के जैसी ही भौगोलिक परिस्थिति में बहुत सारे और प्रदेश भी हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, या उत्तर पूर्व है भारत का, तो पहले यहाँ पर DLED कार्यक्रम हमारे यहाँ चला है, काफ़ी वो बहुत सक्सेसफुली चला है, जो हमने पैरा टीचर्स के लिए बनाया था और बहुत उसका फ़ायदा हुआ, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हुआ और हमने DLED कराया बच्चों को, जो हमारे डाइट्स में हुआ, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो डाइट्स में हमने अध्ययन केंद्र बनाया और उनको किया। लेकिन अभी जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर कहोगी, तो जैसा मैं सोच पाती हूँ, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, जैसे मशरूम प्रोडक्शन हुआ या वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट्स के हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, पर्यटन प्रदेश कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मैं उस पर आ रही थी, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम सीरियल्स, जैसे दालों से या कुछ इस तरह के बने, जैसे टोफू बन सकता है, या आपके पल्सेस एंड सीरियल्स से, या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि बुरांश का प्रोडक्शन यहाँ बहुत है, तो माल्टा और बुरांश से किस तरह से हम जूसेस बना सकते हैं, उनकी हम किस तरह से केनिंग कर सकते हैं और कैन में डाल के हम उसको मार्केटिंग कर सकते हैं, ये हो सकता है। कुछ विशेष दालें हैं जो कि उत्तराखंड में होती हैं,
तो ये कार्यक्रम मैंने कही, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक कार्यक्रम है, सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, सर्टिफिकेट इन सिल्क प्रोडक्शन है, क्योंकि मलबरी जो है शहतूत का के पेड़ पर सिल्क के जो कोया है उसको बनाया जाता है, तो और यहाँ पे सिल्क के सेंटर्स भी हैं। तो ये अभी थोड़ा सा डोरमेंट फेज में चला गया था, क्योंकि देहरादून में हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, तो हम उसको बहुत जल्दी फिर से रिवाइव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो है ही, और हमने माना तक, मतलब जो आखिरी पोस्ट है वहाँ, उसके पास में भी हमने जोशीमठ में जो सेंटर खोला है, तो वहाँ से भी बच्चे लाभ ले सकते हैं। जी मैम, आज की अगर हम युग की बात करते हैं, यहाँ पे हर बच्चे को बहुत जरूरी हो जाता है कि स्किल्ड हो, कि उसको हर स्किल्स आते, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए किस तरह कोर्सेज हैं? एक तो पहले मैं वापस जाऊंगी, तुमने कहा था कि टूरिज्म की बात की थी, तो सर्टिफिकेट इन टूरिज्म डेवलपमेंट, टूरिज्म स्टडीज, CTS हमारा कार्यक्रम है, डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज है, उसके अलावा मास्टर्स इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है, तो जिसमें BSc हॉस्पिटैलिटी एंड के जो बच्चे किए हुए हैं या BTS किए हुए हैं वो आ सकते हैं, और दूसरे कुछ ऐसे एक दो कैटेगरीज हैं उससे बच्चे मास्टर्स इन टूरिज्म एंड ट्रैवल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ट्रैवल स्टडीज कर सकते हैं। अभी स्मार्ट सिटीज में देहरादून का नाम आ रहा है, तो अर्बन प्लानिंग के लिए स्कूल ऑफ अर्बन प्लानिंग के लिए स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट ने एक कार्यक्रम तैयार किया है, जो कि शायद जो बच्चे लगे हुए हैं अर्बन प्लानिंग में MDDA या दूसरी एजेंसीज के साथ, तो उनके लिए वो काफ़ी काम का कार्यक्रम हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हेल्थ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, तो अभी जनवरी सेशन, इसी जनवरी 2019 सेशन से स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज ने 4 कार्यक्रम शुरू किए हैं, तो उनके नाम है, एक तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स के लिए, जो भी आपने हॉस्पिटल्स में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स देखे होंगे उनके लिए एक कार्यक्रम है, और दूसरा है जेरियाट्रिक केयर असिस्टेंट्स के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बूढ़ों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो घरों में बूढ़ों की देखभाल के लिए जिस तरह की केयर की ज़रूरत है उसकी असिस्टेंस कैसे दी जाए, उसके लिए युवाओं को कैसे तैयार किया जाए, मतलब वहाँ भी ये शिक्षा देने की आवश्यकता है कि अपने घर में बुजुर्गों की सेवा कैसे करें। मैं हमारे यहाँ पे कार्यक्रम की समय समाप्त हो रहा है, तो आपसे सुझाव मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी कि किस तरह का सुझाव आप विद्यार्थियों को देंगे और किस तरह का माइंड मेकअप उन्हें करना चाहिए। मैं इस पहले मैं थोड़ा सा उसको पूरी अपनी बात को पूरा करना चाहूंगी कि एक है फिलोबॉटमी का प्रोग्राम, जो कि जिसमें ब्लड के सैंपल्स को किस तरह से लिए जाएं, तो उसकी स्किल के डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ सेलाकुई में देहरादून के पास बहुत सारी फार्मास्यूटिकल एजेंसीज हैं, उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। होम हेल्थ असिस्टेंस का है, हमने बल्कि अभी देहरादून में ही महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में SGRR मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पर सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर का एक कार्यक्रम शुरू किया है। एक ब्रिज प्रोग्राम फॉर क्रिटिकल केयर नर्सिंग, जो जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के या आयुष के जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए चल रहा है। सर्टिफिकेट इन एक आपका फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है, जो कि ड्राइवर्स को करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़े हुए जितने लोग हैं सबको करना चाहिए, तो युवाओं को खास तौर से उसे बहुत जरूरत है, क्योंकि सड़क पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं बिल्कुल को बहुत जरूरत हो जाती है फर्स्ट एड के यहाँ पे जानकारी। मैम, हमारे कार्यक्रम के यहाँ पे समय समाप्त हो गया, इसलिए माफ कीजिएगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ बिल्कुल मैम यहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने विभिन्न तरह की जानकारी हमें यहाँ पे देने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने शैक्षणिक स्तर को हम सुधारें, और इग्नू यहाँ पर यही कोशिश कर रहा है, विभिन्न तरह के विषयों को इसीलिए इसमें शामिल किया गया। शुक्रवार का हमारा विषय रहेगा राइट टू ईट। नमस्कार।